नमस्कार। पिछले 2 साल में मैंने 45 से 50 लाख लोगों से इंटरेक्ट किया है मेरी वीडियोज़ के माध्यम से। कुछ प्रगतिशील किसानों से भी मैं रूबरू होता हूँ, मैं पढ़ता भी रहता हूँ। तो एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि एक द्वंद्व सा हो रहा है। मतलब खेती में एक प्राकृतिक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, सूक्ष्म जीव को बचाना है, लाभदायक सूक्ष्म जीवों को खेती में बढ़ाना है, इस टाइप की बातें पिछले कुछ सालों में होने लगी हैं। तो उस प्राकृतिक खेती की तरफ एक लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरा, जो पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से खेती में हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या मतलब फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके खूब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की चाह रख रहे हैं, भले ही उसमें हमारे जेब में ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग बहुत आ रही है। और कई बार तो हम, ये होता है कि गेहूं में हमारे जैसे 60 क्विंटल पर हेक्टर गेहूं निकल लिया है, तो उसको 62-63 क्विंटल बनाने के लिए हमने बहुत उसमें एडिशनल इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि उस खर्चे की बनिस्पत हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये जो द्वंद है, इसके ये दो फिलोसॉफी हैं, दोनों विचारधाराओं के बीच में किसान फंस रहा है। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हम। देखिए बॉस, एक बात है कि प्राकृतिक खेती, जीवों को बढ़ाओ, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाओ, ये है, ये सूक्ष्म जीव ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये सुनने के लिए और ये चीज़ें, ये बहुत अच्छा सही लगता है, लेकिन इन चीज़ों को वास्तव में प्रैक्टिकली करना कितना टफ होता है। इस बात को खेती से हम जोड़ेंगे तो शायद उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इसको। हम हमारे लाइफस्टाइल से देखें, आज हमें कोई कहे कि भाई तुम प्राकृतिक तरीके से रहो, प्राकृतिक खाओ, प्राकृतिक तरीके से अपना इलाज करो, और फिर वो सब करके बहुत अच्छी आप आउटपुट दो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दो, खूब मतलब वो सब प्राकृतिक तरीके से करके, लाइफस्टाइल मेंटेन करके, और खूब सारा मतलब एक हम पैसे का इनकल्प कर लें, मतलब विकास में आज के दिन पैसा ही सब कुछ दिख रहा है। तो पैसा खूब कमाओ और खूब अच्छे से मतलब खूब प्रोडक्टिविटी दो, आप खूब टैक्स पे करो अपनी देश के लिए और देश की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करो। एक बात यह है, प्राकृतिक तरीके से रहेगी। ये बात कितनी मुश्किल लग रही है, मुश्किल है, कुछ लोग करते भी होंगे, कुछ लोग करते हैं, वैसे प्राकृतिक खेती भी कुछ लोग कर सकते हैं, अच्छा, अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके। तो एक वो प्राकृतिक लाइफस्टाइल इंसान का हो गया। वैसे ही दूसरा लाइफस्टाइल ये है कि जैसे मेट्रो सिटी मुंबई दिल्ली की लाइफस्टाइल और वो भाग दौड़ भरी जिंदगी, और उसमें शरीर का कोई ख्याल नहीं, वही जंक फूड वगैरह खाना, और उसके बाद में प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देना और खूब पैसा कमाना, अपना लाइफस्टाइल ठीक से मेंटेन करना और देश के लिए की ग्रोथ के लिए टैक्स पे करना, तो वो बात है। तो वो बात तो होगी जहाँ हम बहुत ज़्यादा हमारी इनपुट लगा रहे हैं, खूब प्रोडक्शन ले रहे हैं, वो बात होगी। अब दोनों बात हो गई। अब ये प्राकृतिक तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन करके बहुत पैसा कमाना, उस हिसाब का करना, मे भी ये बहुत सटीक एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन जस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें करना, प्राकृतिक तरीके से रह के जंगल में यदि मैं रहूं, वैसे रहूं, उस प्राकृतिक रहूं, तो वो शायद टफ होगा। और ये जो लाइफस्टाइल है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आदमी रह रहा है, वो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, जंक फूड खा रहा है, तमाम चीज़ें गलत तरीके से हो रही हैं, जैसे हमारे अब हम हाईटेक खेती में करना चाह रहे हैं, तो उसका, उस बंदे का स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहेगा और कई बीमारियां भी रहेंगी। ये इधर वाला स्वस्थ रहेगा लेकिन उतना अच्छी शायद अर्निंग नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम दोनों का सामंजस्य कर लें तो ज़्यादा ठीक है, और सामंजस्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोग बहुत अच्छा टैक्स भी पे करते हैं, खूब सारे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना ठीक से मेंटेन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो मतलब वो उस तनाव को, उस स्ट्रेस को, उस वर्क के मतलब स्ट्रेस को, उसको सब कुछ सह के भी वो एक अच्छा स्वस्थ बंदा रह सकता है, क्योंकि उसने दोनों चीज़ें बैलेंस की हैं। सिमिलरली ये चीज़ हम खेती में भी कर सकते हैं। हम
बस हमें आम किसान को मुझे लगता है ये जरूर जान लेना चाहिए, वो हम चाहे भले ही बाद में जानेंगे पर टाइम से पहले जान लेना चाहिए कि जो ये माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो मृदा स्वास्थ्य की जो बात हो रही है इस पे प्लीज 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 ध्यान दें। वो जो मैं मेट्रो सिटी में जो बैलेंस की बात कह रहा हूँ ना, अच्छा कमाते भी हैं, अपनी लाइफस्टाइल भी ठीक रखते हैं और योगा वोगा करके वो करते हैं, वो लोग कुछ हाईटेक में कर रहे हैं, जैसे कुछ पॉली हाउस करते हैं, या जो अपन तो खेती में हाईटेक किसको कहेंगे, जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, जो पॉली हाउस नेट हाउस में खेती कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। उन लोगों को भी आप कभी जाके जरूर देखें, वो लोग भी इन सूक्ष्म जीवों को, इन माइक्रोब्स को, इन कार्बनिक खादों को यूज कर रहे हैं। वो मतलब वो प्रोडक्टिविटी भी ले रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो उसको शरीर मर्दा के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे हैं। सो प्लीज इस बात को यहीं कंक्लूड करते हैं। एक आम किसान जिसको ये हमेशा माइंड में ये रखना है कि ये मर्दा का कोई स्वास्थ्य है, इसका हम टेक केयर करें, क्योंकि मतलब ये एक्टिव लोग बहुत कम है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं, अरे काई वैसा साहब खेत जलाने से कुछ नहीं होगा, खाद तो नहीं है, कहां से डालें कैसे डालें, अरे नहीं है बट उस सिस्टम को तो चाहिए, सॉइल को तो चाहिए, हम निकाल ही रहे तो उसको चाहिए, या तो उसके अवशेष डालें उसमें, या कहीं से खाद डालें, कुछ तो करें उसके स्वास्थ्य के। मैंने माइक्रोब्स वगैरह पर बहुत सारे वीडियो बनाए, आप वो भी देख सकते हो। यदि मेरी बात ये ठीक लगी तो ये बात लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें इस चीज मैसेज को। नमस्कार, जय हिंद।